जलती है शमा। कलाकार बजरात नहीं होता, कला की कोई जात नहीं, बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार तो फिर कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो की हाल है यार, तो वेलकम दी बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यार कल इतवार है, सही इतवार का मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है। और फाइनली अनदर सैड न्यूज़ इज हियर, यार क्या बोल सकते हैं। तो भाई देखो सीन कुछ ऐसा है कि वो वाला जो अपना उसका ना जो फिंच का जोड़ा पड़ा हुआ है ना, तो जहाँ मेरी फिंगर जा रही है ना, देखो उधर भाई उस फिंच ने ना पहले एक अंडा दिया था, सही है, जो कि भाई मतलब ना दूसरे दिन मैंने देखा तो वो जिसके अंदर खाना डालते हैं ना उसके अंदर पड़ा हुआ था। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कैसे आ गया, तो मैंने बोला यार मतलब मादा ना मतलब इधर उसने अपना वो कंफर्टेबल फील नहीं किया होगा, तो उसने ऐसे इधर अंडा दे के चले गई। तो भाई दोबारा उसने एक अंडा दिया, ठीक है, तो आंडी के अंदर, तो आज मैंने चेक करा, मैंने बोला यार दे दिए होंगे 3-4 अंडे, ठीक है। तो मैं जब भाई चेक करता हूँ तो उधर एक भी अंडा नहीं होता, तो भाई मुझे पता चलता है कि भाई चुपकर भी उधर अंडे खा रही है। तो यार मेरा बड़ा मीटर शार्ट हुआ है इन करो, जब मैंने पता चला ना मुझे कि भाई चुपकर ही अंडे खा रही है इन करो, मेरा बहुत ज़्यादा मीटर शार्ट हो चुका था, सही है। तो आज मैंने फैसला करा है कि भाई मैं जो है भाई 7 बजे के टाइम पर पिंजरे में घुस जाऊँगा, 7 बजे नहीं बल्कि 8 बजे के टाइम पर, सही, ईशा के बाद पिंजरे घुस के बैठ जाऊँगा। और 12-1 बजे तक, अबे यार ये इनकी लड़ाई हो रही है, देखो ये लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या मसला है इनको। तो मैं क्या कह रहा था, 12-1 बजे तक मैं उसी के अंदर बैठे रहूँगा, ठीक है। और यार मुझे अगर चुप कर ही अच्छी दिखी भी ना, तो यार मैं भाई बस काम तमाम कर दूंगा उनका, ठीक है, क्योंकि देखो यार पहले भी ना वो एक बच्चा जो मरा था वो शायद चुपकर ही ऐसे मरा होगा, तो बाकी जो भी है लेकिन यार अब बहुत हो गया, सही, चुपकर ही ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। तो अब भाई उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो वहाँ से पहले ऊपर से आती थी, उधर मैंने लगा दिया था कागज़, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी जगह खुली है ना, पर वो देखो तुम्हें शायद नज़र आ रही हो, नहीं आ रही यार तुम्हें शायद, वो देखो वाइट थोड़ी सी रोशनी आ रही है उधर से। तो भाई इस तरह सुराग खुले हुए थे, सही, तो मैंने बंद कर दिया थोड़े से, उस साइड वाले पिंजरे खुले हैं तो भाई वो उधर से आती है, ठीक है। तो यार मैं भाई अब नहीं छोड़ने वाला उसको, सही है, क्योंकि देखो इस तरह अगर चलता रहा तो कोई फायदा नहीं है अपना फिंचर रखने का, सही, फिंचर अंडे देंगे वो खागे भाग जाएगी, तो भाई भले 30 दिन 1 महीने जितने भी चुपके आएंगे सबको यार मारूंगा यार, एक एक को भी नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मीटर शार्ट हो चुका, ठीक है ना। तो अगर ऐसे चलता रहेगा तो अपना पिंचर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, देखो वो अंडे देंगी और भाई चुपका ले अपना खा के शार्ट हो जाएगी। और यार ये देखो आजकल ना हमारी तरफ यार मतलब गैस नहीं आ रहा था, तो ये भाई अब्बा पता नहीं कहाँ से लकड़ियाँ लेकर आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने भाई ये इसमें से ना अच्छी अच्छी लकड़ियाँ निकाली और मैंने बोला यार पिंचों के ना पोर्शन में रखता हूँ केजीज में, तो थोड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा मतलब लुक आएगा। भाई वो तो उससे देख के इतना डर गई, सही, सारी पिंच एक तरफ होकर बैठ गए बिल्कुल चुपचाप। तो मैंने बोला चलो देखते हैं 5-10 मिनट देखते हैं, 10 मिनट गुजर गए लेकिन भाई इनका कोई रिएक्शन नहीं था, तो मैंने भाई वापस ही निकाल दी, ठीक है ना। कबूतरों को देखो कोई डर नहीं लग रहा, ठीक है, और वो देखो बाजरा भी पड़ा हुआ है, बाजरा भाई पता नहीं क्यों नहीं खाते, क्या हो गया इनको, हालांकि बाजरा है भाई, दूसरों के जो कबूतर होते हैं बाजरा ही खाते हैं, लेकिन अपने कबूतर ने भाई वो बाजरा ही नहीं खाते जो मेन चीज़ है यार, बाकी मुझे नहीं पता है क्यों नहीं खाते, ठीक है ना। और ये बटेर क्या कर रहा है यार, थैली फंस गई क्या तेरे अंदर। तो मैंने ये सोचा यार अभी अपने जो मैं एक दफ़ा इंजेक्शन और वो लेकर आया था ना साइकिल का, बोल का मैं, तो मैं उससे भाई यार कबूतर के बच्चों को ना खिलाऊंगा, सही है, तो भाई उससे ना जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और उसके बाद यार अपन सबसे पहले इस वाले नर को निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये नर यार सही नहीं है, ठीक है, सही तो है लेकिन यार बस अब फालतू का इसका खर्चा उठाना पड़ता है, और फालतू का खर्चा उठाने के लिए अभी मन ही नहीं है, ठीक है, तो समझ रहे हो। तो इसको अपन देख के आ जाएंगे और इसके अलावा कोई दूसरा एसी टाइप का ना नर ले आएंगे, लेकिन यार बहुत मुश्किलों से मिलेगा इस जैसा नर, क्योंकि अपन पहले जैसी मादा लाने की सोच रहे हो तो भाई मादा नहीं मिली, अब नर लेकर आने की सोचेंगे तो देखते हैं नर मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं अभी छत पे आया था, ठीक है, तो मैंने यार इधर बाजरा रखा इस दीवार पे, ठीक है, तो मैंने बोला कोई आएगी यार चुड़िया उड़िया आएगी, लेकिन भाई घंटा भी कुछ नहीं आया और चुड़िया बाजरा खा के शार्ट हो गई पिंजरे में, यार वो आती नहीं, पता नहीं क्या वो भाई कौन सी चुड़िया, उनको पता चल जाएगा कि इसके अंदर अगर अपन जाएंगे तो अपन को भाई कैद कर लिया जाएगा, पता नहीं किसने उनको बोल दिया, ठीक है ना। बाकी यार वो जो अपन ने नीचे रखे थे ना खाल कीड़े बनाने के लिए, तो यार उसके अंदर ना चुनने चुनने से कीड़े जो है भाई बन गए, ठीक है, तो अब मतलब कल परसों तक यार मतलब कितने दिन हो गए यार, 5 दिन लग रहे हैं लेकिन करो ना 3 दिन में तैयार हो जाते हैं, वो अपनी गलती की हो जाती है यार, क्योंकि देखो पहले मैंने सही से उसको भिगोया नहीं, दूसरे दिन मैंने उसके अंदर पानी कम डाल दिया था, ठीक है, तो मतलब आज से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, मक्खियाँ भी यार स्टार्ट हो गई, मक्खियाँ नहीं आ रही आजकल, क्योंकि मक्खियों से यार वो बनता है, सही है, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, तुम बोलोगे भाई क्या गंदी गंदी चीज़ें बता रहे हो, ठीक है, तो बाकी अभी वो कल देखते हैं सही कितना बड़े का साइज हो जाएगा उनका, तो बाकी वो इतने बड़े होते हैं, ठीक है, तो मैं कैसे बताऊँ, मैं देखो इतने बड़े होते हैं तो पता चल रहा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता चल रहा, तो अब देखते हो परसों तक तो VIP हो जाएंगे सही, उसके बाद ना बटेरों को खिलाऊंगा, ठीक है,
चुड़ियाओं को भी खिलाएंगे, बटेरों को भी खिलाएंगे, और उसके बाद ये क्यों हो जाएंगे प्रोटीन से भरपूर और बन जाएंगे बॉडी बिल्डर, और ऐसा ना हो कि अपना पिंड लाइट तोड़ के छाट जाए। ठीक है, तू भाई क्या सुन रहा है इधर, तू फाड़ दो बेटा। वाह भाई वाह, तू करना क्या चाह रहा है इसका? हाँ कुछ बनाऊंगा। क्या कुछ बनाऊंगा? क्यों फाड़ दूं ऐसी है तो भाई, इसका मतलब अकल चेक करो। इसने कल पता है क्या करा, इसने ये गत्ता ना भाई इधर लटका दिया। ठीक है, इसने इधर कील ठोकी है मेरे ख्याल से ना, इधर कहीं इसने ठोकी थी लेकिन वो गिर गई, इधर ही ठोकी थी मेरे ख्याल से ना। तो भाई इधर इसने टांग किया। ठीक है, मैंने बोला क्यों टांगे, तो बोला भाई इसके अंदर चुड़ियाँ आएंगी वो बच्चे देंगी और फिर मैं इनके बच्चे घर लेकर जाऊँगा। तो मैंने बोला तेरी ऐसी की तैसी, मैं इधर सारा भूतनी वाला एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ इधर चुड़ियाँ पकड़ने की, मुझे चुड़ियाँ पकड़ में नहीं आ रही, और ये भाई इसने घर लगा दिया, उसके अंदर चुड़ियाँ अंडी भी दे देंगे बच्चे देंगे। चलो भाई मेरा भाई ये ले जाएगा अपने बच्चे बाबाजी घर भी उठा। सलूट यार तेरे को भाई, तू पहले क्यों नहीं आया, तू कहाँ था भाई, तेरी तलाश हमें पहले दी, पहले आना चाहिए था तेरे को यार। अगर ये पहले आ जाता ना पता नहीं क्या क्या हो जाता, यकीन करो बहुत ही आगे चले जाती दुनिया शायद, लेकिन अब आए तो आप पीछे जा रही है। और यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताने ही वाला था, लेकिन और बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यार इन्होंने ना अपने बहुत सारी चुड़ियाँ छोड़ी थी सही जंगली, तो अभी यार 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ भाई एक भी चुड़िया नहीं है इसके अंदर। पता नहीं इन्होंने सारी कहाँ निकाल दी क्या, और वो कहीं से यार मुझे ऐसा लग रहा था कहीं से ना खुद ही घुस रही थी। ठीक है, तो अब पता नहीं क्या सीन था, लेकिन यार इतनी सारी इनके पिंजरे में चुड़ियाँ आई थी और वो भाई अब एक भी नहीं है, सारे मतलब तोते ही हैं, मतलब 3-4 जोड़े तोते ही हैं बस, चुड़िया तो एक भी नहीं है। और बाकी पहले इतनी सारी थी भाई आवाज़ आती रहती थी, लेकिन भाई अब एक भी चुड़िया नहीं है। ठीक है, और कहाँ चले गए यार, हमें हमारे पिंजरे में तो आ नहीं रही, हमारे तो जब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब भी पकड़ में नहीं आ रही, और इनके खुद ही पिंजरे में घुस रहे थे। क्या बात है भाई, मतलब कौन सा क्या जुर्म कर दिया हमने चुड़िया, क्या दाना नहीं डाला हमने, दाना भी डाला यार। अच्छा एक दफ़ा मैंने पकड़ी थी चुड़िया भाई, मैं बता दूँ तो पिंजरा चुड़िया मैंने भाई ऐसे पकड़ी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो है ना टंकी, सही है, तो तुम्हें टंकी दिख गई होगी सही। तो उस टाइम पहले ना वहाँ पे दाना पानी रखते थे, ठीक है, तो अभी मैं यार दोबारा रखूँगा क्योंकि चुड़ियों को दाना डालना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं रखता था वहाँ पे, ठीक है, तो यार मुझे ना मस्ती सूझी, मैंने बोला यार चुड़िया पकड़ लेते, तो इस टाइम पे इस पिंजरे का गेट भी लगा था, ठीक है ना, जाली वाला, तो मैंने तो कुछ इसी तरह से मतलब करा सही कि धागा खींचो और पिंजरा जो है भाई उस तरह से बंद हो जाए, सही है, तो उस तरह से मैंने करा। और भाई मैं दाना रखा ही और मैं इधर आगे बैठा था, सही इधर बैठ गया था मैं इधर कोने पर ना सीढ़ी पर, भाई आते ही मतलब उसके अंदर ना दो चुड़ियाँ घुस गई, सही है दो घुस गई थी और जोड़ा ही घुसा भाई, एक नर एक मादा, लेकिन उसके अंदर से ना पता नहीं मादा शार्ट हो गया था नर शार्ट हो गया था, वो पता नहीं कैसे यार वो कैसे किस तरह शार्ट हुई थी, पिंजरे में इतना जगह भी नहीं है, लेकिन मैं खुद भी परेशान हुआ था भाई हार गई तो गई कैसे। और उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, और मैंने उसको इसी पिंजरे में रखा था, ठीक है, और उसके बाद इस पिंजरे में डाला सही, थोड़ी देर इसको घुमाया फिर आया और फिर वापसी भाई इसका शार्ट करवा दिया मैंने, कैद नहीं करा क्योंकि उसके बाद उस टाइम मेरे पास ना कोई परिंदा इंदा था नहीं, ठीक है, आई थिंक चूजे थे मेरे पास, ठीक है, तो उसके अलावा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने उसको वापसी छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास चुड़ियाँ वुड़ियाँ सही दोस्तों रखेंगे ताकि उनका दिल लगे, उसके बच्चे भी देखेंगे और उसको हैंड टैम्प बनाएंगे फुल, ठीक है, क्योंकि यार मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है कि कोई बर्ड हो अच्छा वाला जिसको यार मैं हैंड टैम्प कराऊँ, ठीक है ना, हैंड टैम्प बनाऊँ और वो जो है बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए। तो यार यही था अपना आज के लोग, सही उम्मीद आप लोग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।